हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नवीनिका क्रिएशन। आज हम बनाने वाले हैं मसालेदार छोले, वह भी बिना प्याज व लहसुन के। ये फटाफट से बनकर तैयार हो जाते हैं, तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए, जिससे मेरी आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ईजिली मिलते रहे। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 कप छोले लिए हैं, जिसे हम 8 घंटे के करीब पानी में भिगो कर रख लिए हैं। अब उसको छानने के बाद हम इधर गैस ऑन करके कुकर गरम करेंगे। जैसे ही हमारा कुकर गरम हो जाएगा, हम उसमें 1 टेबलस्पून देसी घी डालेंगे, 1/2 चम्मच जीरा डालेंगे और इसे अच्छे से चला लेंगे। इसके बाद हम इसमें अपने पानी में सोक किए हुए छोले डालेंगे। इसको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। सभी छोलों को डालने के बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे, जिससे इसमें घी और ज़ीरा अच्छे से कोट हो जाए। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। ध्यान रहे, पानी हमें उतना ऐड करना है छोले से थोड़ा सा ऊपर तक, जिससे कुक करते वक्त ये छोले जले ना। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा बेकिंग सोडा और थोड़ा सा इनो डालेंगे, जिसको हम फ्रूट सॉल्ट भी कहते हैं, और इसे अच्छे से चला लेंगे। और फिर हम इसके ढक्कन को बंद करके इसे कुक करने के लिए रख देंगे। हमें इसे 3 से 4 सीटी तेज आंच पे बचाने के बाद इसे हमें धीमी आंच पे कम से कम 10 मिनट के लिए पकने देना है। इधर हम आइए मसाले की तैयारी कर लेते हैं। इसके लिए हमें मिक्सर ग्राइंडर में 4 से 5 टमाटर कटे हुए डालेंगे, 2 कटी हुई हरी मिर्च और 1/2 इंच कटी हुई अदरक डालेंगे और इसे मिक्स अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद हमारा पेस्ट कुछ इस तरीके से होगा। इस तरीके से पेस्ट तैयार होने के बाद हम इसे एक बोल में निकाल लेंगे। हमारा टमाटर का पेस्ट यहाँ तैयार है। अब हम अपने छोले को देख लेंगे। इधर हमारे छोले देखेंगे कुक हुए हैं। इसको चेक करने के लिए हम इसे खोलेंगे और इसे अच्छे से उठा के देखेंगे। अब हम इसमें से 1 दाना उठाएंगे और उसे इस तरीके से दबा के देखेंगे। अगर ये कायदे से अच्छी तरीके से दब जा रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो हमारा छोला अच्छी तरह से कुक हो गया है। अब हम इधर मसाले के लिए 1 बे लीफ तेज़पत्ता, जिसे कहते हैं, 4-5 लौंग और 4-5 काली मिर्च लेंगे। हमें 4-5 काली मिर्च और लौंग को अच्छे से कूट लेना है, फ्रेश क्रश कर लेंगे हम। और क्रश करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारे मसाले में, हमने यहाँ पे सिर्फ ज़्यादा थोड़े से मसाले यूज़ किए हैं। अब हम इसकी मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए हम एक पैन में थोड़ा सा देसी घी लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच के करीब देसी घी लिया है। आप चाहे तो इसको ऑयल में भी कुक कर सकते हैं। जैसे ही हमारा घी गर्म हो जाएगा, हम उसमें 1 बे लीफ डालेंगे, जिसको तेज पत्ता कहते हैं। अब हम उसमें अब क्रश किया हुआ लौंग और काली मिर्च डालेंगे, थोड़ी सी हींग डालेंगे, एक चम्मच के करीब ज़ीरा और इसे अच्छे से चला लेंगे, जिससे हमारा मसाला नीचे से जले ना। अब हम इसमें टोमेटो का पेस्ट डालेंगे, इसको हमने तैयार किया हुआ था, और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब हम बाकी के मसाले ऐड करेंगे। जैसे इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया हमने, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक। ध्यान रहे, नमक हमने बॉईल करते हुए डाला है, तो यहाँ पे हम सिर्फ मसाले के हिसाब से ही नमक डालना है हमें इसमें, और इसे अच्छे से चला लेंगे। अब इसे हमें धीमी आंच पे भूनना है।
ध्यान रहे मसाला हमेशा धीमी आंच पे भुना जाता है जिससे ये अच्छे से पक जाए और ये इसका फ्लेवर भी अच्छा है। हमारा मसाला भुन के तैयार हो गया है, ये हमें ऐसे पता चलेगा, इस मसाले के चारों तरफ घी ऑयल निकलने लगेगा। अब हम इस मसाले को अपने बॉईल किए हुए छोलों में डालेंगे। इसके बाद हम इसे अच्छे से चला लेंगे और एक बार फिर से इसे हल्का सा बॉईल होने के लिए रख देंगे। देख रहे हैं आप कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब हम इसमें ऊपर से हरी धनिया से गार्निश कर देंगे और इसे एक बार अच्छे से चला लेंगे और उस हमारा छोला बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे कभी भी सर्व कर सकते हैं। इस छोले को हम पापड़ी चाट में, समोसे चाट में, या छोला भटूरा, या क्या कहते हैं कुलचा छोले, किसी भी चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। हमारा बिना प्याज वाला लहसुन का मसालेदार छोला बनके तैयार है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। लाइक एंड शेयर एंड कमेंट करना भी मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग नवीनिका क्रिएशंस।